नमस्कार, आदाब, खमागणी, जय भीम, जोहार, सत श्री अकाल। मैं मनुराव, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम तू तू मैं, जिसमें हम आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों के समर्थकों पदाधिकारियों से आपको रूबरू करवा रहे हैं। और हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। आप किसे मतदान करें यह आपके ऊपर है, लेकिन हम जो बड़ी पार्टियां हैं, जो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं, उनके समर्थकों से भी मिला रहे हैं, उन प्रत्याशियों से मिला रहे हैं, ताकि आप सही का चयन कर सकें। तो आज अभी हमारे साथ तू तू मैं में जो शख्सियत हैं, दोनों ही किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी से जो हैं वह पूर्व में पार्षद रह चुके हैं, एससी मोर्चा के पदाधिकारी रह चुके हैं, लवदेव जी बागड़ी हैं, और कांग्रेस से जो हैं संजय भगतानी जी हैं। कुछ दिनों पूर्व भाजपा में गए थे, फिर कांग्रेस में आ गए। उनका मानना था कि काम नहीं हुए, काम करवाना था, इसलिए उस पार्टी में जाना जरूरी था। और जैसे ही काम हुआ, मैं अपने घर में वापस आ गया। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लवदेव बागड़ी जी से। बागड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। पहला सवाल ये है कि प्रथम चरण के जो चुनाव हुए हैं, उनमें मतदान प्रतिशत काफी कम रहा, आपका क्या मानना है, क्या कारण रहे? सबसे पहले तो मैं मनसा आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उदयपुर न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है। मतदान कम होने का विशेष कारण यही रहा है, जो कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं, जो कांग्रेसी हैं, उन्होंने वोट ही नहीं दिए, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई सीट तो राजस्थान में 25 की 25 भाजपा की आ रही है, और भाजपा की आ रही तो कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने कहा हम वोट ही नहीं दे, जब हमारे विधायक हमारा सांसद नहीं जीत रहा है, हमारा राजस्थान में हमारी कोई सीट नहीं आ रही है, तो हम वोट दे के क्या करें। इसलिए उन्होंने वोट नहीं दिए, इसलिए मतदान कम हुआ है। भक्तानी जी, आपका क्या मानना है? मनु भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आज इस प्रोग्राम में बुलाया। सबसे पहले तो मैं शहरवासी को, पूरे भारतवासियों को आज राम भक्तों का हनुमान जन्मोत्सव है, आप सभी शहरवासियों को जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मनु भैया, सोच अपनी अपनी है। मतदान का प्रतिशत कम हुआ है और इतिहास गवाह है कि जब जब मतदान का प्रतिशत कम हुआ है तो लोग सत्तारूढ़ पार्टी से उनकी नाराजगी होती है और विपक्ष को हमेशा फायदा होता है। अब भाजपा वाले ये कहते हैं कि मतदान इसलिए कम हुआ कि कांग्रेस वालों ने वोट नहीं डाला, ऐसा नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि लोग भाजपा से नाखुश है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार जो अभी नई बनी है, जिसको ये डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, हम टेम्पो सरकार बोलते हैं। तो लोगों का मतदान में रुझान जब कम होता है, जब वो अपने नेताओं से खुश नहीं हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि लोग भाजपा से खुश नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के शासन से खुश नहीं है, इसलिए वोट प्रतिशत कम हुआ है। और इतिहास गवाह है, जब जब वोट प्रतिशत कम हुआ है तो सत्तारूढ़ पार्टी को नुकसान हुआ है। लवदेव जी, आप भी पार्षद रहे हैं, 30 सालों से आपकी पार्टी का बोर्ड है, विकास की दृष्टि से शहर को क्या मिला है बताइए आप। विधायक हो, सांसद हो, विकास तो उदयपुर में हुआ ही है। नगर निगम को देख लीजिए, 30 साल से नगर निगम में भाजपा का बोर्ड है, विकास हुआ है, इसलिए 6 बार 6 बार भाजपा का बोर्ड बना है। विकास हुआ है तभी बोर्ड बना है, अगर विकास नहीं होगा तो बोर्ड कैसे बनेगा। विधायक रहे हमारे गुलाबचंद जी कटारे रहे हैं, मैंने बोर्ड बनने की बात तो मान ली, आप तो विकास बताइए ना मुझे, जमीन पे क्या विकास दिखा आपको 30 सालों में? उदयपुर नगर निगम ने क्या दिया उदयपुर को? सांसद कोटे की अपन बात करें तो देखिए, आप पहले शहर की बात कर ले, शहर की फिर अपन आएंगे। शहर में तो आप शहर में देखिए ना, मूलभूत सुविधाएं जो जनता को चाहिए वो मूलभूत सुविधाएं सारी मिल रही है। पहले आप देखते थे जो घर घर कचरा संग्रहण होता था, मतलब घर पे आपको कचरा आपको ले जाके बाहर डालना पड़ता था, कहीं पूरे शहर में कचरे कचरा होता था। आज आप परिस्थिति की, आपके घर पे डोर टू डोर आपके घर पे ऑटो आता है, कचरा लेके जाता है, उससे आपको दिखेगा कि उदयपुर में साफ सुथरा उदयपुर हुआ है। जी और आप ये भी देखिए, पासपोर्ट कार्यालय जो अशोक गहलोत की सरकार थी वो यहाँ से इन्होंने हटा दिया पासपोर्ट पासपोर्ट कार्यालय। हमारे सांसद अर्जुन जी सांसद बने, जब वो मंत्री जी आए थे यहाँ पे कार्यक्रम हुआ, पासपोर्ट कार्यालय वापिस उदयपुर आया, ये भी आपको पता ही होगा। कांग्रेस की सरकार, इन्होंने यहाँ से पासपोर्ट कार्यालय जोधपुर ले गए, मगर हमारी बीजेपी सरकार लेके आई, ये भी एक काम हुआ ही है ना। जी आज आप ईसीएस हॉस्पिटल देख लीजिए, सुभाषपुर वहाँ पे, वो केंद्र सरकार की योजना है, कितनी बड़ी योजना है, 100 से भी ज़्यादा बेड का एक वो मतलब हॉस्पिटल बना है। ये देखिए, आज आप रेलवे स्टेशन देखिए, जीर्णोद्धार हो रहा है,
रजिस्ट्रेशन पर पहले कभी नहीं हुआ, अभी हो रहा है, ये भी केंद्र सरकार की योजना है। से आप देखिए अपने जो महाराणा प्रताप हॉस्पिटल है, सॉरी है महाराणा भोपाल चिकित्सालय है, वहाँ पे भी एक नई बिल्डिंग बनी है, वो भी केंद्र सरकार की योजना है। जो केंद्र से जो पैसा आ रहा है वो तो खर्च तो हो रहा है, विकास तो हो ही रहा है ना, मगर ये देखने का नजरिया है भाई, हमको तो दिख रहा है, इनको नहीं दिख रहा है, ये बात है। क्या कहेंगे वक्ता जी? देखे कहाँ से ये जो बता रहे हैं, मेरी बात सुनो, ये छोटे छोटे काम। मैं तो एक ही बात पूछना चाहूँगा कि अर्जुन लाल जी मेरा 10 साल से सांसद रहे, 10 साल में एक सांसद होता है वो चुन करके संसद भवन में जाता है, पार्लियामेंट में 10 साल में उदयपुर संभाग के लिए जो 8 विधानसभा क्षेत्र लगते हैं उनके लिए, आप मुझे एक भी वीडियो बता दो उन्होंने उदयपुर शहर उदयपुर संभाग के लिए संसदीय क्षेत्र के लिए कोई भी आवाज़ बुलंद की हो या कोई बात रखी हो। सबसे पहले अर्जुन लाल जी मीणा न तो संसद भवन में कभी गए, जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, आज सांसद इतना बड़ा जनप्रतिनिधि होता है, 8 विधानसभाओं का जनप्रतिनिधि होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से वो काम करवाता है, न तो वो कभी संसद भवन गए मेरे हिसाब से, न जनता के बीच में गए, तो जनता उनको क्यों वोट करे? उसी पार्टी के मन्ना लाल जी, जिनको मैं तो वसूली नेता बोलूंगा, जो एक DTO से बार बार कहते हैं कि जिला कलेक्टर पूर्व जिला कलेक्टर को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, अच्छे प्रत्याशी नहीं है इनकी नज़र में, तो आपने किसको टिकट दिया? आपने भी एक DTO रिटायर्ड जिन्होंने भी VRS लिया उनको टिकट दिया है ना, तो DTO और RTO तो क्या करते हैं वो पूरी जनता ही जानती है। अगर ऐसे लोग राजनीति में जीतेंगे तो आगे उसका क्या भविष्य है वो जनता भली बात समझती है। बाकी रही बात 10 साल से सांसद महोदय नदा रख रहे हैं, ये मनु जी मैं नहीं कह रहा हूँ, 8 विधानसभा के क्षेत्र की जनता भी कह रही है। खेरवाड़ा में चिल्ला चिल्ला के लोगों ने कहा था कि सांसद महोदय को हमने 10 साल से देखा ही नहीं, क्योंकि 10 साल वो अपने घर पे सोए रहे। सिर्फ एक ही फैक्टर है इनके दिमाग में, एक ही चीज़ है मोदी। ये मोदी नाम का जो बलून है ना, इस बलून को भी सिर्फ मीडिया ने, जो नेशनल मीडिया है ना, उन्होंने फैला रखा है। ऐसा कुछ नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं कि राम भक्त बनकर वोट मांगने जाते हैं, मोदी के नाम पे वोट मांगने जाते हैं। आप खुद क्यों नहीं जाते हो वोट मांगने कि मैंने ये काम किया था, अब मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं मेरे पार्टी ने इस प्रत्याशी को मैदान में उतारा, आप इसको जिताए। मुझे तो इनसे एक ही सवाल है लव जी से कि आप राम के नाम पे राजनीति करना कब बंद करोगे? पूर्व में जब चुनाव होते थे देश की हालत ये होती थी कि देश के आर्थिक मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते थे, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार मूलभूत सुविधाएं। देश में पहली बार आजादी के बाद ऐसा चुनाव होने जा रहा है जो राम के नाम पे राजनीति का व्यापार करके वोट मांगा जा रहा है, तो क्योंकि आपने डेवलपमेंट कराया नहीं 10 साल में, मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया हुआ है, सिर्फ एक ही मुद्दा आपके पास राम मंदिर बना है। बार बार हम भी जनता को ये समझाना चाह रहे हैं और जनता आप समझ चुकी है कि राम मंदिर का जो निर्माण हुआ वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी, तो माननीय न्यायपालिका ने यह फैसला दिया कि वो जो राम भूमि है, जो विवादित भूमि थी वो राम जन्मभूमि है, तो माननीय न्यायालय ने यह आदेश दिया कि वहां पर राम मंदिर बनाया जाए, तो राम मंदिर बना। राम मंदिर का श्रेय बार बार ये लोग क्यों रहते हैं, बार बार राम के नाम पे राजनीति क्यों करते हैं? आप कीजिए ना, आप राजनीति करिए, आप अपने कामों पे राजनीति कीजिए। भगवान राम को बार बार राजनीति में घसीटने का कोई मतलब नहीं है, भगवान श्री राम भी आपको माफ नहीं करेंगे। क्या कहेंगे लव जी? पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपके उदयपुर चैनल पे मैंने एक वीडियो देखा था थोड़े दिन पहले, जब भक्तानी जी BJP में आए थे कि मैं मोदी जी से प्रभावित हो गया हूँ, उन्होंने राम मंदिर बना दिया, 70 साल में जो कांग्रेस ने नहीं किया वो भाजपा ने कर दिया है। ऐसा एक भी मेरा वाक्य होता आप दिखा दीजिए। मैंने भगवान श्री राम का नाम नहीं लिया कि राम मंदिर बनाया इसलिए आया हूँ, ऐसा मैंने किया नहीं। आप बता दीजिए, डिबेट क्यों नहीं चलेगी? आप बताइए, मैंने नहीं कहा है। आप बोल रहे हो, मैं चुप हूं। मैंने नहीं कहा है। जी, फिर आप दीजिए। बात सुन रहा हूं। आप इसमें बोलो, मैं डिबेट नहीं करूंगा। जी जी जी। आप आपने अपनी बात बोली, मैंने सुनी। चलिए। वीडियो है। बार बार ये कहना कि मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया है, अरे बिना राम के बिना तो धरती का पत्ता भी नहीं हिलता है, सनातनी है हम मानते हैं, न्यायपालिका का आदेश था तो मंदिर बनाना। आप मंदिर बना, अच्छी बात है, खुशी है, हमें भी खुशी है, बट आप उस चीज को बार बार कहते हो मोदी जी ने मंदिर बनाया। मोदी जी ने बनाया है। मोदी जी की सरकार ने राम मंदिर बनाया, वो बात सही है। सरकार ने कहा बनाया? माननीय न्यायालय का आदेश था, सुनिए लव भैया, आप मेरे पुराने मित्र हैं, न्यायालय का आदेश था 55,000 करोड़ रुपए जनता ने चंदा राशि दी, सहयोग राशि दी राम मंदिर में, तब उसका निर्माण हुआ। न तो न्यायपालिका का आदेश मोदी जी लेके आए थे, नहीं उसमें जो खर्चा हुआ राम मंदिर बनने में कि उसमें कोई केंद्र सरकार ने कुछ दिया हो, जितने में मंदिर बना उससे 2 गुना पैसा तो अभी और पड़ा है ट्रस्ट में जी।
राम भक्तों ने मंदिर बनवाया है, राम आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो आप सुनना ही नहीं चाह रहे, आप मेरी बात सुनिए। चलिए आप बीच में बोलने, आप लगातार दो मिनट बोलिए। हाँ, दो मिनट मुझे बोलने दीजिए। आपकी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने राम लल्ला को टेंट में रखा। आपका सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, उन राम भगवान को हम टेंट से निकाल कर मंदिर में लाए। कौन लाया? मोदी सरकार लाई। आपके पास भी 70 साल थे, आप भी लेते कर लेते, और आप उन राम भगवान से प्रभावित होकर आप बीजेपी में आए, बीजेपी से आप वापिस कांग्रेस में गए, तो इसका मतलब क्या है? आप तो भी भरतपुर में लौटे हैं ना, तो इधर के ना उधर के, आप क्या है? तो आप फिर बीजेपी में आए क्यों? जो गौरव वल्लभ आपको बीजेपी में ले, बीजेपी से कांग्रेस में लेके आए, गौरव वल्लभ के साथ आप आ गए कांग्रेस में, मगर वो खुद अब बीजेपी में आ गए, तो अब आपका क्या विचार है? आप में जाओगे, बाप में जाओगे, कहाँ जाओगे, कुछ हमें बताओ। और बिल्ली सुनिए, आप कह रहे हो उन्होंने क्या किया, क्या अर्जुन जी ने क्या किया? अरे अर्जुन जी ने भाई इतने प्रश्न वहां पे उठाए हैं, उनका मैं आपको व्हाट्सएप पे मैं वीडियो भेज दूंगा संसद का, और हम सभी पार्षदों को वहां संसद लेके गए हैं, तो वहां पे भी हमने वहां पे लेके गए। ब्रॉडगेज का निर्माण कैसे हुआ? 70 साल से अपन देख रहे हैं अहमदाबाद की ब्रॉडगेज आ रही है, आ रही है, आ रही है, कागजों में आ रही है। किसने किया इसका काम? जी मोदी सरकार ने किया, सांसद ने किया, सांसद ऊपर जाते हैं, सांसद चुन साधन सांसद सब चुन के प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो वो काम किसने किया? अहमदाबाद बोर्ड के काम किसने किया? 10 साल से वो नजर नहीं आया, तो इन कांग्रेस की तो कोई पट्टी बंधी हुई पट्टी, अब जब तक ये पट्टी हटाएंगे नहीं तब तो कुछ नहीं हो सकता। अब ये क्या है, 54-58 से ऊपर आए तो रुपये तक पहुंचेंगे तो कुछ बात बनेगी, बाकी तो कुछ मतलब नहीं है जी। देखिए संजय बगतानी, आज डिबेट संजय बगतानी की नहीं है, ठीक है, हम बीजेपी में गए कांग्रेस में आ गए। एक चीज बताओ, 54-58 की बात कर रहे हैं, आज डॉलर क्या रेट है आपको पता है? 2014 में सुनिए ना, देश की बात करते हैं ना, जब ये संजय बगतानी वैसे लवदेव बागड़ी का नहीं है डिबेट, जिस मुद्दे पे आज हम इकट्ठा हुए उसी पे बात करें। भारत की आजादी के बाद आपको पता है ये पहला समय ऐसा है जो आज डॉलर क्या रेट है आपको पता है? अरे पता तो करके आते हैं, 2014 83 रुपए 30 पैसे आज का डॉलर का रेट है, सुनिए ना मेरी बात, 83 रुपए 30 पैसा डॉलर का आज का रेट है। 2014 से 2024 तक मनु जी डॉलर और रुपया कितना प्रतिशत गिरा है बताइए, आप बताइए ना, थोड़ा तो समझ कर। 28.3% इस देश की, मेरी बात सुनिए आप, 28.3% डॉलर रुपया डॉलर के अकॉर्डिंग गिरा है, और आजादी के बाद जो 10 साल का टाइम पीरियड होता है ऐसा देश में पहली बार हुआ है जी, ठीक है। अब आप करते हैं अर्जुन लाल जी मीणा की, आपके सांसद है, मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अर्जुन लाल जी मीणा ने गांव गोद लिया था आपको, इसका आपके संज्ञान में क्या क्या नाम था उस गांव? ओडा, ओडा गांव था, ओडा गांव की दुर्दशा देखिए, जिस सांसद ने एक गांव जिसको गोद लिया था, और मोदी जी ने कहा था 2 अक्टूबर 2014 की बात है कि एक एक सांसद एक एक गांव को गोद लेगा, आदर्श ओडा आदर्श गांव बनाएंगे, उस गांव की स्थिति क्या आपको पता है? उस गांव के हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, वह नर्स खेल रहा है। एक गांव को तो जिस गांव को आपने गोद लिया, 10 साल में आप उस गांव का तो डेवलपमेंट कर नहीं पाए, आप उस गांव का विकास तो कर नहीं पाए, जो गोद लिया गांव था उसका तो आप कुछ विकास कर नहीं पाए, तो आप क्या विकास करोगे? आप उस गांव की हालत जाके देखो, ठीक है। अब आप बात करते हैं ना, अर्जुन लाल जी ने किया, आज उदयपुर जिलों की नगरी का शहर है, जिलों की नगरी कहा जाता है। आज 10 साल का कार्यकाल, 30 साल का भाजपा बोर्ड, 4 साल से भाई साहब विधायक, आज आप सीवरेज का पानी जिलों में नहीं रोक पाए, आज भी पूरा शहर का मलमूत्र जिलों में मिल रहा है, सुनिए, उस पानी को लोग पी रहे और झील प्रेमी बार बार चिल्ला रहे हैं। मेरी बात सुनो, अरावली पर्वतमाला जो कट रही है उसको आप नहीं बचा पाए, ये सीधा सीधा आप कहीं ना कहीं मिली भगत है, कोई काम नहीं किया है, सांसद महोदय अपने घर पे सोते रहे, इसलिए इनको कैंडिडेट चेंज करना पड़ा, क्योंकि उनको पता था कि इस बार अर्जुन लाल जी को चुनाव लड़ाएंगे तो कतई ये जीत नहीं पाएंगे, इसलिए नए अर्जुन मन्ना लाल जी को लेके आए डीटीओ साहब को। हम तो मन्ना लाल जी डीटीओ साहब को लेके आए, तो आपके पास कार्यकर्ता तो आप ले आते ना कांग्रेस का, आप भी तो किसी को अधिकारी को लाए ना, और ये अच्छी तरह सबको पता है कि उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, अर्जुन जी की तबीयत खराब हो गई इसलिए उनको टिकट नहीं मिला, बाकी 2 बार मिला तो 3री बार भी मिलता, क्योंकि आप 3री बार भी हैट्रिक बीजेपी के लगे। आप कह रहे ताराचंद जी मीणा सीनियर आईएएस ऑफिसर, सुनिए रिटायर्ड सीनियर आईएएस ऑफिसर है, उनको पूरे उदयपुर शहर के जिला कलेक्टर है, उनको उदयपुर की भौगोलिक स्थिति पता है, उन्होंने गांव ढाणी ढाणी का जिला कलेक्टर रहते हुए दौरा किया है, आप समझे, उन्हें पता है, उन्हें पता है कि उदयपुर के चाड़ल काम को टिकट लेना था विधानसभा से, मेरा तो एक ही सवाल है, जयपुर दिल्ली चक्कर लगाया है, टिकट नहीं मिला उनको, मैं तो एक ही चीज कहता हूं मनु जी मोदी नाम पे भीख मांगना बंद करो, अपने काम का रिपोर्ट कार्ड लेके जाओ कि हमने काम किया। अभी कह रहे ना नगर निगम,
सूरजपुर चौराहे पे एक ट्रक घुस गई थी, आपको पता है कितने महीने पहले? लो जी 6 महीने पहले। अरे उसको तो ठीक करा लो, 6 महीने में आपके नगर निगम के नाक के नीचे जो चौराहा क्षतिग्रस्त पड़ा है उसको तो ठीक कर नहीं पाए आप। बात करते हो आप, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने फलाना कर दिया, हमने ठीक कर दिया, फलाना कर दिया, रिश्तेदार का मकान उधर। अरे बातें आज महापौर सुनिए, नगर निगम में महापौर जी, एक महापौर जी का दायित्व क्या होता है? आप 4.5 सालों के पार्षद वार्डों में नालियां टूटी हुई है, तो आपका नगर निगम लाचार है? हम तो 13 तरीके टूटी हुई है तो बन रही है, प्रयास कर रहे हैं। आप कह रहे मनु जी, आज ये कह रहे नगर निगम महापौर, सुनिए मेरी बात, आज 4.5 साल हो गए महापौर जी का पार्षद बनता है, 5 साल में एक एक वार्ड में एक बार तो दौरा कर लेते हैं, पार्षद के साथ समस्या आंखों से सुनिए, सिर्फ घर से निकलते एसी में जाकर बैठते, और वापस हमने घर चले जाते। पार्षद सुनिए, उदयपुर शहर बहुत बड़ा है, उदयपुर शहर दिल्ली के बापू बाजार, दिल्ली के बापू बाजार टाउन हॉल तक सीमित नहीं है। आपके पार्क के पार्क देखो, आपके महापौर जी आए क्या? कितनी बार बोला मैंने वार्ड का, तो आपके महापौर जी आए क्या? बात करते हो रही बात नहीं, सुनिए आज, सुनिए मनु जी, 5-10 साल में ऐसा पहली बार हुआ है, 10 साल में एक सवाल का, 10 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट पार्टी ने 450 विपक्ष के पार्टियों के विधायकों को खरीदा साम दाम दंड भेद करके और अपनी पार्टी में। सुनिए ना 50 एमपी को खरीदा, 5 से 7 पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी में शामिल हुए, ऐसा क्या हो गया? अरे खरीदा जा रहा है, 2 बार सरकार गिरा दी, चुनी हुई सरकार, ऐसा क्या हो जो वोटर चिंता है? आपने मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी, आपने गोवा में सरकार गिरा दी, राजस्थान में भी प्रयास किया था आपने गिराने का, लेकिन जादूगर ने आपकी चलने नहीं दी। क्यों? मैं बता रहा हूँ ना, आजकल देश में क्या चल रहा है मनु जी, मैं आपको बता रहा हूँ, साम दाम दंड भेद ईडी सीबीआई फलाना ढींगना ये वो। आज मुझे एक बात बताओ, देश में बहुत सी राजनीतिक पार्टियां, लो भैया मैं आपसे एक ही सवाल करता हूँ उसका जवाब देना, देश में बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं, सारी पार्टियों को ये भ्रष्टाचारी कहते हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, कांग्रेस फलाना जेडीयू ठीक है, जितनी भी पार्टियां हैं, शिवसेना भी अब आपके लिए भ्रष्ट हो गई, सुनिए उन सब के जो नेताओं पे जो भी झूठे आरोप है या सच्चे उसकी टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता, उन पे तो कार्रवाई हो जाती है। आप भगवान श्री राम की कसम खा के ये बता दो कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने भी देश में नेता है सारे ईमानदार है, क्या उनमें से एक भी भ्रष्ट नहीं है? एक भी भारतीय जनता पार्टी का मुझे नेता बता दो जिसपे सीबीआई ईडी या इनकम टैक्स रेड करी हो, या जिनके ऊपर पुराने मुकदमे चल रहे हैं, सबूत है मेरे पास कि जब वो कांग्रेस में थे तब तो कार्रवाई हलचल थी और जैसे बीजेपी में आए तो कार्रवाई ठप हो गई या क्लीन चिट मिल गई, उसका सबूत बताता हूँ। ऐसा क्या कारण है? आप भगवान श्री राम की कसम खा जाओ कि मेरे देश में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता है सारे ईमानदार है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? कांग्रेस सारे चोर है उठा के लाया, पता नहीं कहाँ का अखबार है, हम क्या बताया, हम तो भास्कर और भास्कर पत्रिका पढ़ते हैं, ये कौन सा अखबार है, ये कौन सा अखबार है, ये नई दिल्ली का, अरे कौन सा अखबार है, अरे आपकी सरकार ने क्या किया वो बताओ, जब आपके गहलोत सरकार की सरकार गिर रही थी तब तो सब विधायकों को लेकर होटल में चले गए, क्यों, ऐसा क्या हुआ? इधर कोरोना काल चल रहा है। योजना ये अपराधी 13 अप्रैल को
है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है ये मंच का वोट। देखो इनकाउंटर के लिए तलाश योजना भाजपा में शामिल, भाजपा ने श्रेय दे दिया कि भाजपा में आ जाओ। ये देखिए ना मेरे पास सबूत है, सोशल हेल्थ कार्ड योजना, भारत भारत जन औषधि योजना, हिंदू धर्म की बात करते हैं, गौ रक्षा की बात करते हैं, गौ रक्षा, मंडी विधानसभा हिमाचल से, मंडी विधानसभा हिमाचल से कंगना रनौत को टिकट दिया है। सुनिए आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, कंगना रनौत को टिकट दिया है जो कंगना रनौत ये कहती है कि मैं बीफ का मीट खाती हूँ। सुनिए, अरे आपको क्या मिलेगा, मेरी बात आपका टाइम खराब नहीं होगा। ये छोड़िए, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब मैं दूंगा। अरे ज्ञान मिलेगा, सुनिए 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 सुनिए, आप बोलना बाद में, आप बोलना पहले बोल लो, मेरे से आपको ज्ञान मिलेगा। बड़े भाई हो आप मेरे, मैं क्या कह रहा हूँ, इनकाउंटर में तलाश रही सोनू कन्होजिया को, भाजपा में शामिल, मंत्री जी के बगल में खड़े, 13 अप्रैल अभी का है, सुनिए मेरी बात को, मोदी राज में कर्ज में डूबा भारत 55,000 करोड़, सुनिए सुनिए सुनिए, 2 साल में खाद्य तेल महंगा, ये मेरे घर पर नहीं छपा, सुनो बीजेपी में आओ क्लीन स्वीप पाओ, सुनो, अरे एक बार सुनिए सुनो, अरे नहीं मैं बता दूंगा, पढ़ लेना आप, ले जाना पढ़ लेना, अगर ये अगर ये अखबार एक भी झूठा है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सुनिए ना, आप हिंदू धर्म की बात करते, सुनिए जब नेशनल नेशनल डिबेट नेशनल मामले पे हो रही है, सांसद सुनो सुनो सुनो, अरे अगर ये पेपर है सुनिए तो सही, ये वो कैंडिडेट है, सुनिए, आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, गौ रक्षा की बात करते हैं, हम भी गौ रक्षक हैं, हमसे बड़ा कोई गौ रक्षक नहीं, ये कंगना रनौत है, मेरी बात सुनो, मंडी हिमाचल से चुनाव लड़ रही है, भाजपा ने इसको टिकट दिया है, सुनिए मेरी बात को, ज्ञान मिलेगा आपको। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, इसने खुद कहा है, इसने ट्वीट किया है कि जब मैं घर से जा रही थी ऐसे कैंडिडेट हम उतर, जब मैं रुके थे सही, जब देश के प्रधानमंत्री तो मोदी बन रहे ना, सुनिए उन्होंने क्या कहा है कि सुनिए सुनिए, जब मैं, अरे सुनिए तो सही बात तो सुनिए, उन्होंने कहा है कि जब मैं मेरे घर से निकली थी, मेरी माँ ने मुझे कहा था कि तू बेटा कुछ भी करना जीवन में, लेकिन कभी बीफ मत खाना, सुनना मेरी बात, आपने खुद ट्वीट किया है, आपने वार्ड कि मेरी माँ ने मना किया, इसलिए काम कराया, उत्सुकता बढ़ी तो मैंने बीफ का मीट खाया और आज मैं रोजाना बीफ का मीट खाती हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है, सुनिए ना, सुनिए 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 सुनिए, 15 लाख रुपए का है, सुनिए ना, 15 लाख रुपए और काला धन का है, आप बताए ना, जो काला धन नहीं, अच्छा 15 लाख को छोड़िए, जो काला धन मोदी जी ने 2014 में चिल्ला चिल्ला के कहा कि मैं स्विट्जरलैंड से स्विस बैंक से काला धन लाऊंगा भारत वापस लाऊंगा, वो काला रंग अब क्या नारंगी कलर का हो गया क्या, इनको तो दिख नहीं रहा है, धारा नहीं तो काला धन का है, काला धन के नारंगी कलर का हो गया, साल से कांग्रेस ने क्या किया, धारा 300 कुछ नहीं किया, अच्छा 2014 तक सुनिए सुनिए, सन भारत की आजादी से लेके रुकिए, आज इनकी सरकार थी कितने बम ब्लास्ट हुए, जब इनकी सरकार थी कितने बम ब्लास्ट हुए, मोदी जी के आने, अच्छा पुलवामा हमला नहीं हुआ, पुलवामा हमला में जो 40 किलो आरडीएक्स है उसका पता नहीं लगा पाया आप लोग, आज दिन तक बात करते हो, बात कीजिए, सुनिए सर्जिकल स्ट्राइक की मुंह तोड़ जवाब दिया मोदी जी, अच्छा सुनिए आप सुनेंगे, सुनो तो सही, आपको भारत पाकिस्तान का युद्ध याद है क्या, जो लाहौर को गुस्सा दिया था पूरी सेना को, आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हो, भारत आजादी के बाद कितने युद्ध हुए भारत पाकिस्तान, क्या क्या लाहौर का खदेड़ गया है, इतिहास गवाह है, अरे यार आपके तो पड़ोसी है, अरे आपके पड़ोसी है, तो आप तो आज जो भी न्यूज में ये देख रहे आप कह रहे हो वो हमला कर सर्जिकल स्ट्राइक की, अरे हमने तो लाहौर तक खदेड़ा है, और सब खदेड़ा है, भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ था प्रथम युद्ध में, क्या बात करते हो आप पता है, अरे इतिहास गवाह है ना, इतिहास गवाह है ना, आज पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश अलग बना दिया, शहर की आपने कमान संभाली, पार्षद वार्ड में कितना काम किया वो पूछो, वार्ड में जो हमसे बन पा रहा कर रहे हैं वो मेरी जनता बलि बलि जानती है, सोशल मीडिया पर मनु जी सुनिए सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर जनता को लुभा रहे मोदी, 3,000 करोड़ रुपए सालाना आप सिर्फ सोशल मीडिया पर इसलिए खर्च कर रहे हो, सुनिए ये आप सब छोड़िए मेरी बात सुनो, आज मैं एक बात करता हूँ, आज सुनिए, आज चलो कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं करते, रविंदर सिंह भाटी जो आज युवा राजनीति का उभरता हुआ सितारा है जी, युवा उभरता हुआ सितारा है ना राजनीति में, आके अच्छे काम, रविंदर सिंह भाटी के लिए आपकी आईटी सेल लिखती है कि रविंद्र सिंह भाटी देशद्रोही है, अरे वो छोड़ो नहीं यार, देशद्रोही है, नहीं बताइए ना, चल कितने जीत रहा हूं, अच्छा को की बात कर रहा है, अच्छा को कांग्रेस पूरी, आप पार्टी पूरी, उदयपुर की बात कर रहा है, पूरे रविंदर सिंह भाटी, मेरी बात पर पहुंच गए, रविंदर सिंह भाटी के लिए बोला है, आपका ताराचंद कितने वोट से जीत रहा है वो बताओ, उदयपुर की बात, रविंदर सिंह भाटी कंगना रनौत के लिए बोला गया है कि रविंदर सिंह भाटी देशद्रोही है, उदयपुर की बात करो भाई, आपका ताराचंद जी कितने जीते वो बात करो, एमपी के चुनाव तो मुद्दों की बात करेंगे, कंगना उससे बड़े क्या लड़ने देना, क्या की बात करो आप, कह रहे हो ताराचंद जी कितने देशद्रोही है, आप ताराचंद जी कितने जीत रहे हैं वो बताओ, ताराचंद जी कितने जीतेगी, मैं तो देखो पहले तो मैं कोई घोषणा करता नहीं हूँ, जीतेंगे जीतेंगे कितने से जीतेंगे,
समय सबका था, आपकी भी दो सीटें थी, इतना इतना घमंड आज आपके अंदर, आपकी पार्टी राम पार्टी नहीं, आपकी पार्टी रावण पार्टी है, हठ और घमंड रावण में था, आपकी भरतपुर लौट आओ, आप बीजेपी में क्यों आए, आपने क्यों लिया नीतीश कुमार को, जब आपका अमित शाह चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद है, आप जा गठबंधन करो, नहीं आप जा गठबंधन करो, वो तो धूप का धुला साफ हो गया, बता तो दीजिए आप क्यों आए थे, आप वो रीजन तो बताइए आप क्यों आए थे, बता तो दीजिए आप क्यों आए थे, घूमने आया था, अरे मैं को राष्ट्र नेता नहीं हूँ, आप मेरे पे क्या बात कर रहे हो, मैं कौन सा राष्ट्र नेता हूँ, मैं कौन सा राष्ट्र नेता हूँ, मेरे आने जाने से क्या फर्क पड़ता है, आपने कहा था मैं मोदी जी के राम मंदिर बना दे उससे प्रभावित हुआ हूँ, राम मंदिर की तो बात मैंने की नहीं, की आपने राम मंदिर की खुशी है, मैं तो क्या कह रहा हूँ बनना है तो राम के नाम पे राजनीति बंद करो, राजनीति का व्यापारी मत बनो, पुजारी बनो, आप बेसिक मुद्दे पे देखने नहीं गए, सुनिए 2014 में आपके मैनिफेस्टो में सुनिए ना, 2014 में मैनिफेस्टो में क्या बोला था मोदी जी ने, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, अरे भाई आप देश के आर्थिक मुद्दों पर बात करो ना, आप कहते हो सुनिए 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 क्या कर रहे हैं, कंपनियों में लोग नौकरियां कर रहे हैं, जान जिनको क्या कर रहे हैं, सुनिए सुनिए आज की मैं बताता हूं, 4 लाख भारतीयों को अमेरिका नागरिकता देने जा रहा है, क्यों एक युवा हमारे देश में पढ़ लिख कर मजबूर है, सुनिए मजबूर होकर नहीं मजबूर होकर मजबूर होकर मजबूर होकर विदेश में, आपने दिए क्या, आपने दिए क्या, आपने 2 करोड़ रोजगार दिए क्या, झूठे वादे नहीं करने चाहिए, आप इंप्लीमेंट करते, आप इंप्लीमेंट करते, अच्छा एक बात, एक सवाल मेरा आपसे, आप मुझे बताओ देश आज तरक्की कर रहा है, आप ही कह रहे हैं मोदी राज में देश तरक्की कर रहा है, अच्छा वो हो रहा है जो भी हो रहा है, ठीक है मेरी बात सुनिए, आप कहते हैं 2014 से पहले कांग्रेस ने क्या किया, देश की आजादी के समय हमारे पास कितना फंड था आपको पता है, 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, पता ना सोनिया गांधी के पास, राहुल गांधी के, अरे सोनिया गांधी को छोड़ो, 1947 में कौन सी सोनिया गांधी थी जब भारत देश आजाद हुआ, गांधी के पास इनके पास फंड नहीं था, किसी बात के पास, मैं 1947 की बात कर रहा हूं, 1947 की बात कर रहा हूं, लुटेरे इनके पास तो फंड इनके पास, मैं कह रहा हूं 1947 में, अरे लुटेरे तो आपके मोदी जी शाह जी अमित शाह है, जिसकी गवर्नमेंट 2014 में भाजपा सरकार आते 3 साल में 1500 गुना उसकी प्रॉपर्टी बढ़ गई, क्या बात करते हो आप, मैं 1947 की सब है कागज, 1947 नहीं आप बोलो तो सही, 1947 2014 से पहले तो इनके डेवलपमेंट था ही नहीं, 2014 से पहले देश में सड़कें थी नहीं, 2000 सरकार से पहले मेडिकल अपने क्या कहते सुविधा देश में थी, एयरपोर्ट थे नहीं, रेलवे, ये तो वो है, सुनो सुनो ये तो वो लोग है, ये तो वो लोग है, अरे सुनिए तो सही, ये तो वो लोग है, ये तो वो लोग है कि बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया, हम सब पूरा खानदान परिवार कमल है हमारा, हम भरतपुर लौटे नहीं है, आए चले गए, क्या बात कर रहे, छह बार के वोट को क्या मानते हैं आप, 6 बार लगातार वोट आ रहा है शहर में, क्यों आ रहा है, तो मनु जी भ्रमित करते जनता को, हम मानते हैं 6 बार वोट आया है, ऐसा मत सोचिए मेरी बात सुनो, आज से 20 साल पहले भी हमारे एमएलए एमपीस भी रहे हैं इसी उदयपुर शहर में, आप समझे मेरी बात, तो अब क्या हो गया 70 साल में, क्या हो गया, क्या हो गया, धन्यवाद, समय सबका आता है, समय सबका आता है, हम तो आपको नहीं करें, आपके भी 1994 में 2 सांसद थे, हां तो धन्यवाद दे रहे हैं आपको, हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं, आपने अच्छा काम किया इसलिए हमारे, मैं ये कह रहा हूं, ये यूं कह रहे मनु जी की 2014 से पहले देश था ही नहीं, देश में कुछ डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, ये तो वो वाली बात है, सुनिए बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, जब बेटा बड़ा हुआ तो बाप तुम्हारे कहीं की दो ही नहीं, थोड़ी तो शर्म कर लो कि 2014 से पहले देश में कुछ हुआ ही नहीं, 2014 से पहले रोजगार थे नहीं, 2014 से पहले लोग भूखे मर रहे थे, सड़कें नहीं थी, डेवलपमेंट हुआ है 10 साल में, अभी राजस्थान में सरकार आती है, आज आप आज देश में बेरोजगारी का स्तर पता है क्या आपको, मेरी बात सुनिए, आपके मोदी जी के साथ फोटो लगा हुआ है कि देश की 80 करोड़ सुनिए, सुनते थे नहीं आप, जो देश में 80 करोड़ सुनिए, देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, क्या हुआ जिस देश के अंदर 140 सुनिए 140 करोड़ लोग रहते हैं, सुनिए 140 करोड़, सबसे पहला झूठ बोलता है, 140 करोड़ लोग रहते हैं और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की बात आपके आप ही कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए, अब मुझे बताइए 140 में से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, तो हर 5 में से 3 आदमी को मुफ्त राशन मिलना चाहिए, सबसे पहले तो नहीं मिल रहा है, आप झूठ क्यों बोलते हो, दूसरी बार करिए जा रहे सुनिए, हर करिए जाके चेक कर सुनिए, अरे सुनिए ना, किसको मिला 10 आदमी रोड पे पकड़ लो भाई, किस किस को राशन मिलता है, आप सुनो मिल रहा है, मिल रहा है, अब मुझे बताओ, आप मुझे एक जवाब दो, जिस देश के अंदर 60% लोगों को 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाए वो देश तरक्की कर रहा है, इसका मतलब वो लोग गरीब है, उसे राशन की जरूरत है, वो देश गरीबी की तरफ जा रहा है, अगर वो लोग आर्थिक स्थिति से मजबूत होते तो फ्री में राशन नहीं बांटना पड़ता,
ये मोदी नाम का बोलने के मत घूमो, ये फालतू इनकी बातें हैं, कोई बातें नहीं, आपके लगे हुए ना, आपके वोट लगे हुए, आपके वोट लगे हुए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, ये संजय बता नहीं कह रहा है, मजदूर क्यों दे रहे हो, इसका मतलब जरूरत है, इसका मतलब जरूरत है, इसका मतलब जरूरत है, 5 साल पहले आज 600 रुपए ले रहा है, कौन क्यों ले रहा मजदूर, क्यों तो महंगाई कितनी हो गई, तो देखो ना, तो उसका पैसा बढ़ा, 2014 में आटे तेल के भाव क्या थे, पेट्रोल के भाव था, आज के भाव है आपके 20 रुपए टंकी महंगी हो जाती, 50 रुपए अगर गैस की टंकी महंगी हो जाती, राजस्थान 50 रुपए अगर गैस की मनुबिया गैस की टंकी अगर महंगी हो जाती तो इनकी नेता स्मृति ईरानी, सुनिए स्मृति ईरानी सड़क पे नागिन डांस करती थी, तो उज्ज्वला गैस में हम दे रहे हैं, आप कहाँ गए, 50 रुपए नागिन डांस करती थी, आप स्वास्थ्य शिक्षा शिक्षा रोजगार बेरोजगारी महंगाई पे तो बात करते नहीं हो, ले दे के राम के नाम पे वोट मांगने आ जाते हो, क्या हुआ था कि हम सब पार्षद, जब हम सब पार्षद थे तो हमको मोदी जी से मिलने का मौका मिला, हम गए लोकसभा देखने का मौका मिला, क्या हुआ कि ये जो बोर्ड बना, ये पार्षद है, ये बोर्ड बना तो इनको पता चला कि बीजेपी का ये बोर्ड भी जा रहा है मोदी जी से मिलने, तो फटाक से इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, मगर वो कार्यक्रम हो गया कैंसल, तो देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे कोई शौक नहीं है मोदी जी से मिलने का, मैं पार्षद बाद में हूँ, मैं पार्षद बाद में हूँ, ये देश का नागरिक हूँ, मैं जब चाहूँ मोदी जी से मिल सकता हूँ, उनको जख्म मरा के 10 बार मेरे से मिलने पड़ेगा, मैं देश का नागरिक हूँ, आप समझ गए, पार्षद बाद में हूँ, और देश का कोई भी नागरिक चाहे तो प्रधानमंत्री से मिल सकता है, से तो मिलो अपने नेता से तो मिलो, 10 बार मिल लिए, आपको सबूत देने की जरूरत है क्या, आपको सबूत देने की जरूरत है क्या, आपको सबूत देने की जरूरत है क्या, आप लोग तो जो बीजेपी के अलावा जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं, आप पार्टों के सर्टिफिकेट, आप सर्टिफिकेट मांगते हो, हमसे मांगते हो, आप कांग्रेस पार्टी से, आप हिंदू नहीं हो सकते, फेसबुक प्रोफाइल लगा हुआ देख लीजिएगा, बात करते हो आप, बात आर्थिक मुद्दे, देश पे बात करो ना, आप रोजगार पे बात करो, आप शिक्षा पे बात करो, आप स्वास्थ्य पे बात करो, ले जाकर राम मंदिर पे आ जाते हो, अरे राम मंदिर का निर्माण आपने नहीं करवाया है, राम मंदिर के निर्माण की अनुमति न्यायालय ने दी है, हमारे भगवान है ये लगा हुआ माथे पे तिलक, क्या बात करते हो, ये सर पे तिलक लगा हुआ है, न्यायपालिका में विचाराधीन था, न्यायपालिका में विचाराधीन था, न्यायपालिका न्यायपालिका में विचाराधीन था, कहां गई हमारी सरकार, राजस्थान में आते हैं पेट्रोल डीजल पे वेट कम किया कि नहीं किया, मनसा बताइए आप जी, हाँ ये चुनाव होने दो पता चल जाएगा, ये मुंगेरी लाल के असली सपने मत दिखाओ आप, हमारी सरकार आते ही बोला, अरे सरकार दिवालिया सरकार, पैसे ही नहीं है सरकार के पास, सारे डेवलपमेंट का काम रुकवा दिए गए, बात करते हो आप, आज की तारीख में सब ठेकेदारों को मना कर दिया गया, आपके पास इनकम ऑफ सोर्सेज नहीं है, आपके पास डेवलपमेंट पॉलिसीज नहीं है, आपके पास कैसे इनकम वर्जित की जाए, कैसे इनकम वर्जित की जाए, प्रदेश कैसे चलता है, जिस भजनलाल को आपने बिठाया, आज मेरी बात सुनो, उसकी सभा में अभी देखा था एक वीडियो मैंने, जब भजनलाल जी मुख्यमंत्री राजस्थान का है, अरे तो यार सुनिए सुनिए, सचिन पायलट चोर है, सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, अरे सुनिए वो छोड़िए, भजनलाल जी मुख्यमंत्री एक सभा को संबोधित करने गए थे मनुराव जी, जब वो मंच पर आए तो सारे लोग, सुनिए मेरे, सारे लोग उठकर जाने लगे, तो उन्होंने भोलेनाथ जी की कसम दी, हमेशा क्या भगवान के नाम पे राजनीति करोगे, उनको बोला भोलेनाथ जी की कसम में वापस बैठ जाओ, भगवान के नाम पे, कभी राम का नाम, अरे बजरंगबली जी का नाम, अशोक गहलोत ने बोला है सचिन पायलट को चोर है, धोखेबाज है, क्यों, अरे तो आपके विधायक को भी पारा सिंह जी, सुनिए ना, हाँ बोला आपके विधायक को तारा चंद जी ने भी, अरे मुख्यमंत्री छोड़िए, नेता नेता होता है, पारा जी ने बोला सनातनी विरोधी है, बात करते हो यार, मुख्यमंत्री पारा जी ने कहा क्या, सनातनी विरोधी है, क्या काम कर रहा है, सनातनी विरोधी है पारा जी ने कहा, वो बात मत करो आप, सड़कें नहीं है, कचरा बड़ा हुआ, पार्षद रहते हुए इन्होंने वार्ड में क्या काम करा है, अरे आप मेरे वार्ड में रहते हो, आपको क्या पता है, मेरे रिश्तेदार रहते हैं, कहने का तो मैं कह दूं आपको, मैं कह दूं आपको, क्या कह दो, मैं कह रहा हूं ना, तो आपने कोई काम नहीं किया तभी तो हार गए, तभी तो मेरा भाई छोटा भाई कौन, आप नहीं हारे, आपके वार्ड तो हारा ना, नहीं हमारा वार्ड जीता, कौन, विद्या भाव सर, मेरा वार्ड विद्या भाव सर, आपके दोनों वार्ड लगे हुए, चंदू सुवाल का निर्दलीय जीत गया मेरा छोटा भाई, मेरा वार्ड विद्या भाव से, मैं पार्षद था, पार्षद तो प्रस्ताव दे सकता है ना, सुनिए ना मनु जी, इनके तो बोर्ड इतना निकम्मा बोर्ड है, क्या बोलूं मैं इस बोर्ड के लिए, इतना भ्रष्टाचारी और निकम्मा, और एक नहीं होता है सिर्फ अपने आदमी का काम करना है, प्रस्ताव सारे दे के लेके आता है क्या, काम हम प्रस्ताव दे सकते हैं, काम नहीं करना, काम को दबा रहा है करना, इनकी इच्छा होनी चाहिए, आप और इनके क्या हो रहे हैं, सब क्या हो रहे हैं, अरे छोड़िए आपके अंदर, तो सुनिए मेरे वार्ड के अंदर सब काम हो रहे हैं, तीन तीन छह, अरे रुकिए, 6 कुर्सियां भेजी जो गार्डन पोल में लगती है, मैंने उसके लिए प्रस्ताव दिया था, इतना भ्रष्टाचारी बोर्ड पहली बार देखा है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ न्यूज चैनल के माध्यम से, पारस जी को मेरे को फोन करना पड़ा, जो गार्डन में कुर्सियां लग गई, मुझे बुलाया ठेकेदार का आदमी, आके कहाँ का लगानी संजय जी, मैंने कहा 2 इस मंदिर में लगा दो, 1 उस मंदिर में लगा दो, 2 आधे घंटे बाद फोन आ जाता है, कुर्सियां वापस उठा लो, क्यों ना मैं ऐसे कोई बात कर रहा है, कारण तो बताओ, ठेकेदार ने कहा नहीं मेरे को तो अध्यक्ष ने कह दिया, सुनिए सुनिए ना, क्या पार्षद कमजोर, अरे पार्षद कमजोर, सुनिए तो सुनिए तो होना चाहिए, सुन तो लो, अब सुनोगे, अब सुनोगे, अब सुनो,
अरे सुन तो, कौन करा लेगा, सुन तो लो, सुन तो लो यार, मैं क्या कह रहा हूँ, किसी के माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो संजय पक्तानी के लगी हुई कुर्सी वापिस ले जाए। सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, लेने वापिस लेने आए, मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए पहले बात, ऐसे किसे लेके चले जाए, अटके बोपा भाई उन्होंने रास्ता का वापिस मंगवाई, वापिस उन्होंने कहा कुर्सी वापिस लेके आओ, मैं वहां अड़ गया, मैं कुर्सी तो एक नहीं ले जाने दूंगा। फिर मैंने पारस जी को फोन किया, पारस जी ने कहा बिल्कुल आप सही हो संजय जी और गलत बात है, कुर्सी नहीं ले जाना, कुर्सी कौन ले जा रहा था, सुनो तो सही, कौन ले जा बताओ, ठेकेदार को फोन आया कि वो कुर्सी वापस उठा लो, जो भी ठेकेदार था, ठीक है, किसने बोला कुर्सियां ले जी रहा, बोपा भाई राजनीत है, कुर्सिया को थाड़ा भाजपा वाला के चंदोलन घरूल लाया, जनता का पैसा है, लेकिन मनगढ़ंत कहानी ने पूछ लेना पारस जी से, ठीक है, बात करते हो आप, पारस जी ने बात रखी मेरी, क्या आप चिंता मत करो संजय जी, मैं बात करता हूँ, मैंने कहा भैया लगी हुई कुर्सी का कारण तो बताओ, वापस क्यों ले जा रहे हो, ठेकेदार खड़ा था, मैं भी दो घंटे खड़ा रहा, बारिश पड़ी थी जी, मैंने कहा नहीं ले जा रहा, कुर्सी को हाथ में खड़ा, पारस जी ने फोन किया नहीं लेगा, ऐसे तो आप पार्सलिटी वाले काम करते हैं, आपका बोल है, अब ये तो ये जाने वो जाने क्या बात हुई इनकी, चलिए समय की सीमा है, मतदाताओं को क्या कहना चाहते हैं संजय जी, मैं तो देखिए मतदाताओं को एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये मोदी जी के जुमले में मत आओ, और ये जो भाजपा के उदयपुर के जो जुमलेबाजी नेता है जिन्होंने पूरे उदयपुर शहर पे कब्जा कर रखा, मनु जी सारी जितनी भी अरावली पर्वतमाला जितनी भी होटलें बन रही है सब में भागीदार है, जनता को अब जागरूक होने की जरूरत है, ठीक है, मैं तो जनता को एक ही बात निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले तो मतदान अवश्य करें, मतदान देना आपका अधिकार है, आप किसी भी पार्टी को करें, हम तो आपको अपना अपना मैनिफेस्टो हर पार्टी का कार्यकर्ता और पार्टी के नेता आपको बताना चाहते हैं, मेरा तो एक ही निवेदन है कि माननीय जिला कलेक्टर आदरणीय ताराचंद जी मीणा साहब उदयपुर की भौगोलिक स्थिति को परिपाटी जानते हैं और काफी उन्होंने इस क्षेत्र में काम भी किया है, चाहे वो प्रशासनिक सेवा में रहते हुए किया, तो मेरा तो निवेदन हाथ जोड़ के एक ही है कि 10 साल से जो सांसद आपके पास अपने आत्मा से पूछ लेना, भगवान श्री राम की कसम खा के वचन लेना कि 10 साल में आपको कभी भारतीय जनता पार्टी का सांसद दिखा क्या, नहीं दिखा हो, इस बार हाथ के निशान पे बटन दबा के आदरणीय ताराचंद जी मीणा साहब को भारी मतों से विजय बनाए, ताकि उदयपुर हमारा जो स्वच्छ और सुंदर उदयपुर है जितना स्तर इसका गिरा है वो नहीं गिरे और उदयपुर की गरिमा बरकरार रहे, धन्यवाद जय हिंद। क्या अपील है मन साहब, मैं तो ये कहना चाहता हूँ अर्जुन जी से पहले 10 साल विधायक 10 साल सांसद रघु जी मीणा भी रहे, उन्होंने क्या काम कराया जनता भी जानती है, मोदी जी क्या काम कर रहे हैं जनता देख रही है, मोदी जी से पहले मनमोहन सिंह जी 10 साल थे, वो जनता को देखना है कि मोदी जी चाहिए या मनमोहन चाहिए, देश को कहाँ ले जाना है जनता को देखना है, हैट्रिक जनता के मार्फत ही हैट्रिक लगेगी और मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके रास्ता वही है, सांसद मन्नालाल जी रावत, सभी जनता से मेरा विनम्र निवेदन है आप भाजपा के पक्ष में वोट करें और देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश हित में मतदान के लिए आप भाजपा चुनें, धन्यवाद। तो हैट्रिक लगेगी या लगेगा विराम, यह फैसला 4 जून की शाम तक हो जाएगा, लेकिन 26 अप्रैल को मतदान का दिन मुकर्रर है, हम चाहते हैं कि मतदान ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत बढ़े और उदयपुर एक मिसाल के रूप में देश में अपना नाम कमाए कि इस शहर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, तो हमारी यही अपील है कि उस दिन आप घरों से बाहर निकले, मतदान केंद्रों पर पहुंचे, अपना वोटर आईडी आधार कार्ड लेकर जरूर जाएं और वोट जरूर करें। नमस्कार।